आधा घंटा तुमने वेट कराया मुझे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे बाबा बात तो सुन मेरी, टोक के यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम लगा पड़ा था। भाई साहब, एक एक मिनट। बाबा गाड़ी रिवर्स करिए। क्यों? मैं आपको बाद में सब कुछ बताती हूँ, जल्दी बाबा। हुआ क्या बाबा? देव वहां घर पर है। देव? हाँ बाबा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिसे मैंने अभी देखा था वो दुर्गा थी? नहीं, उसने तुझे देखा तो नहीं? नहीं, आवाज तो नहीं थी? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई डोंट थिंक देव ने मुझे देखा। मैं जल्दी से वहां से निकल गई, लेकिन अगर देव ने मुझे देख लिया है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो फिर से नित्या और पायल से मेरे कनेक्शन के बारे में ढूंढने लगेगा। नो बाबा, टेंशन मत ले। अगर उसने तुझे देखा होता तो जरूर उसने आवाज दी होती। तो चल। आई रियली होप बाबा आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो, लेकिन इस वक्त हम कोई चांस नहीं ले सकते। गोइंग का मेंशन जाने से पहले हमें घर वापस जाना होगा बाबा। वो तो है। माँ बाबा, मैं घर के अंदर नहीं आ सकी, लेकिन मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज जो मैं करने जा रही हूँ उसमें सफल हो सकूँ। कहाँ है दुर्गा यार? We are getting so late. Flight miss हो जाएगी यार। Relax भैया, she will come. Chill. Okay. Hello everybody. तुम कहाँ रह गई थी? You know what? You are 10 minutes late. मुझे तो टेंशन हो गई थी कि कहीं फ्लाइट ना मिस हो जाए। टेंशन और तुम्हें? You must be joking, Shaurya. तुमने तो कहा था तुम वक्त को रोक सकते हो मेरे लिए। मेरी फ्लाइट को रोकना बहुत बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। ये लो, तुम्हारे लिए मैंने वक्त को रोक लिया, लेकिन फ्लाइट मेरे बाप। फ्लाइट में और लोग भी होते हैं ना, पता नहीं उन लोग की क्या अर्जेंसी होगी। अंकल समझाइए ना। हाँ श्योर, एग्जैक्टली। हे बटला, जरा मेरा सामान मैडम के सामान के साथ गाड़ी में रखो। कम ऑन फास्ट। एक मिनट आचार्य, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप सबको वेट करना पड़ा। बट यू नो हम गर्ल्स एंड मोमेंट तक पैकिंग खत्म ही नहीं होती। यस दुर्गा भाभी, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप। मेरे लिए 1 hour late होना ही just normal. मैंने चौल में जिसे देखा था, मेरा मन क्यों कह रहा है कि वो दुर्गा ही थी। Thank God. अच्छा हो जो मैंने ड्रेस बदल लिया, इससे देव का शक कुछ तो कम होगा। चलो चलो जल्दी सबको बाय बाय करो, आगे हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है एंड आई डोंट वांट टू मिस दैट। सॉरी भैया, गाइस हैव फन। आई मीन अच्छे से माता रानी के दर्शन करके जल्दी से हमारे पास वापस आ जाना। वापस आने के बाद आपके कॉस्ट्यूम ट्रायल भी है? ऑफ कोर्स कंगना, हम बहुत जल्द लौटेंगे और सब कुछ हो जाएगा। ओके ऑफ कोर्स सब हो जाएगा, आप जल्दी से वापस आ जाओ, फिर हम बहुत सारी शॉपिंग के लिए जाएंगे। ऑफ कोर्स कंगना, इट्स ऑलवेज फन विद यू। ओके यू गाइस हैव सेफ ट्रिप।
बस दो दिन के लिए इतना बाय बाय बहुत है। गुड बाय एवरीबॉडी। और हाँ, ज्यादा मिस मत करना, जैसे हम जा रहे हैं ना वैसे ही वापस आएंगे, हैंड इन हैंड, चलते चलते, इनफैक्ट दौड़ते दौड़ते वापस आएंगे। See you guys, take care of yourself, come. शौर्य, बेटा अपना फोन हमेशा अपने साथ रखना और ऑन रखना प्लीज। यस मॉम। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ स्पेंड किया हर मोमेंट इज लाइक अ ड्रीम। लेकिन इस तरह हम पहली बार अकेले जा रहे हैं। राइट जा रहे हैं। अच्छा दुर्गा, बताओ कि हनीमून के लिए कहां चले? दुबई के शॉपिंग मॉल में, या स्विट्जरलैंड के बर्फीले पहाड़ों में, या ऑस्ट्रेलिया के सनी सनी बीचेस पे, या फिर अफ्रीका के जंगलों में? सॉरी, अभी हनीमून के लिए काफी वक्त बाकी है, हम बाद में डिसाइड करेंगे हमें कहाँ जाना है। काफी वक्त, हमारा हनीमून होगा और इसी ट्रिप में होगा। द काउंटडाउन हैज बिगन। टिक टॉक, टिक टॉक। दुर्गा नित्या के घर क्यों जाएगी? और उसे नित्या का घर कैसे पता चला होगा? देव, देव, कल जो तुम्हारी साक्षी के साथ में आर्ग्यूमेंट हुई थी, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? I'm really sorry. हाँ बोलिए माँ, क्या कह रही हैं? कल साक्षी ने तुमसे जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी हुआ, I know it was not intentional. लेकिन देव, जब से तुम वापस आए हो, तुम्हारे पास्ट को कुरेदने और सच्चाई जानने की कोशिश से साक्षी को प्रॉब्लम रही है। बेटा, this is the last thing ever your dad would have wanted. अगर आज तुम्हारे डैड जिंदा होते तो वो बहुत दुखी होते। He always wanted a happy family and we as his closed ones. उनके इस सपने को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। Don't you think so? लेकिन बेटा, जब मैं इस घर में तुम्हारी वजह से टेंशन देखती हूँ, it kills me. मैं जानती हूं कि तुम गलत नहीं हो देव, लेकिन बेटा कुछ तो है जो गलत है और वो नहीं होना चाहिए। और वो जो कुछ भी है, अगर वो फैमिली की शांति और खुशहाली में टेंशन क्रिएट करता है, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देव, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटा, जब से तुम आए हो, किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, प्लस घर में भी टेंशन। ये सब देख करके मैं चुप नहीं रह सकती देव, इसलिए मैं चाहती हूं कि शौर्य की शादी के बाद तुम US वापस शिफ्ट हो जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मां, क्या बोल रही हैं आप? सब कुछ छोड़कर US? मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, पर मॉम, मुझे आप... देव, क्या तुम अपने डैड की आत्मा और मुझे दोनों को दुख देना चाहते हो, या थोड़ा सा सुकून? You decide. मॉम, प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। मॉम, thank you.
केस का पहला दिन है और माँ बाबा का आशीर्वाद लेकर अजीब सी हिम्मत आ गई है। जिंदगी में इतना कुछ बदल गया है, इतना कुछ हो गया है, पर अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है उनका प्यार जो आशीर्वाद बनकर मेरे साथ मेरा हाथ थामता है। ये एहसास जीने के लिए ही काफी है। हर बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे ऐसे ही आपके साथ की जरूरत होगी और मैं वो साथ मांगने के लिए हमेशा आपके पास आऊंगी, आपका आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा आऊंगी। वो घर जो नित्या का मंदिर है, वहां दुर्गा क्या कर रही थी? बार बार मुझे यही लगता है कि नित्या के तार दुर्गा से जुड़े हुए हैं, पर ये क्या कनेक्शन है? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर ये कनेक्शन है क्या। एक बार मुझे ये कनेक्शन समझ में आ जाए फिर मैं अपनी नित्या तक पहुंच जाऊंगा। और उस कनेक्शन को ढूंढने के लिए मेरे पास सिर्फ शौर्या की शादी तक का वक्त है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में। सामने रोड पर ध्यान दो। रात बाकी, बात बाकी, अब और इंतजार कैसे करूं दुर्गा? नो शौर्य, ड्राइव करते हुए तुम फोन उठाओगे? मॉम इज कॉलिंग, और तुम्हें पता है ना, मॉम ने कहा था कि जब भी वो फोन करेगी मुझे फोन उठाना पड़ेगा। ओके। हे मॉम। शौर्य, हाउ आर यू? फ्लाइट कैसी थी? कहाँ हो तुम? इतने सारे क्वेश्चंस। मॉम मैं ठीक हूँ, फ्लाइट अच्छी थी, टाइम पे टेक ऑफ हुआ, टाइम पे लैंड हुआ, अब हम गाड़ी में हैं। मॉम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। तुम्हारा दुर्गा को बाहर ले जाने का प्लान अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है शौर्य। प्लान सिंपल है मॉम, मैं दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ और इसलिए मैं प्रे करने जा रहा हूं। क्यों दुर्गा, बन सकता हूं ना? उम्मीद तो यही है तुमसे। अच्छा मॉम मैं ड्राइव कर रहा हूं, आप दुर्गा से बात कीजिए। नहीं बेटा, बस आप सिर्फ ये पता करने के लिए फोन किया था कि तुम ठीक हो। गुड लक विद योर प्लान बेटा। थैंक यू मॉम, लव यू। It's not even funny. मैं मॉम के साथ नहीं रहता हूँ ना, तो मॉम हर 5-5 मिनट्स में कॉल करती है। उफ। आकाश का मैसेज? Hey sweetheart, क्या हुआ? इसका मैसेज है? बाबा का मैसेज है। हर माँ बाप ना एक जैसे होते हैं शौर्य। बाबा भी तुम्हारी मॉम की तरह हमारे लिए परेशान हो रहे थे, कह रहे थे इतनी लॉन्ग फ्लाइट के बाद ड्राइव पे जाने की क्या जरूरत थी, अब रात के वक्त तो पहाड़ी रास्ता किन भी डेंजरस ना, और बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड एंड ऑल दैट। आई थिंक बाबा इज राइट शौर्य, तुम भी बहुत थके हुए लग रहे हो। यू नो व्हाट शौर्य, आई हैव एन आइडिया, क्यों ना हम आज रात कहीं रुक जाए और कल सुबह निकले? यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया? गॉड, आई थिंक आई शुड स्टार्ट बिलीविंग इन यू।
ये बकरी खुद मेरा शिकार बनने के लिए तैयार है। दुर्गा, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली आगे रास्ता भी बहुत खराब है और हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक काम करते हैं, रास्ते में कहीं कोई अच्छा रिसोर्ट दिखता है तो आज रात हम वहीं रुक जाएंगे। ओके शौर्य, लेकिन शौर्य जब तक तुम ड्राइव कर रहे हो ना, प्लीज सामने देखकर ड्राइव करो। ओके ओके। क्या चेक कर रहे हो? मैं अपने फोन पे चेक कर रहा हूँ कि कहीं आसपास में कोई रिसोर्ट मिल जाए तो। शौर्य प्लीज तुम ड्राइव करो, मैं चेक करती हूँ।